आज बड़ियाल खुर्द सरपंच विनोद खेड़ा के नेतृत्व में बांदी कोई के एसडीएम पिंकी मीणा को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 16 तारीख को 2020 को रात्रि को लगभग 8 बजे धपावन खुर्द गोपाल जी के मंदिर में नवजात शिशु को जन्म देकर मंदिर परिसर में छोड़ दिया गया था, जिसके कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को काफी दिन बाद जाने के बाद बावजूद भी एक भी आरोपी का पता नहीं लगा पाए हैं। हम सभी ग्रामीण आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले जांच हो और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसे कठोर सजा दिलवाई जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जा सके। मंदिर जैसी पवित्र धार्मिक जगह पर ऐसा कुकृत्य करने का दुस्साहस ना करें। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि आगामी 7 दिनों से इस घटना की जांच करके कलयुगी माँ बाप के साथ देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूरन हम सभी ग्रामीणों को आंदोलन करने का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन होगा। दौलतराम मीणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी हमारे मंदिर में एक शिशु को जन्म देकर के वहाँ पर गए और बेचारा बच भी नहीं पाया, उसका मेडिकल हो गया, सारे जो रिपोर्ट एफ आई आर दर्ज है, लेकिन प्रशासन उसे खुलासा कार्रवाई नहीं करा। हम ये चाहते हैं उसका खुलासा हो, कौन क्या ऐसा आदमी है जिसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे गांव को बदनाम किया, मंदिर को बदनाम किया है, अरे एक बहुत बड़ी घटना उन्होंने की है। तो जैसे बहुत ही ज्यादा परेशान है।